नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। ऑप्शन ए अमोघवर्ष, नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कराने में निम्न में किसने मुख्य भूमिका अदा की। कूट के माध्यम से आपको उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, दूसरा है तेज बहादुर सपरू और चौथा है जयकर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था। ऑप्शन सी स्टार ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर और बी है आनंद मठ वंकिम चंद चटर्जी, फिर है लाइफ डिवाइन, इसके जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है कथन है कारण है कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही हैं कथन और कारण। कथन क्या कहता है, लॉर्ड लिन लिथगो ने वर्ष 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, और कारण भी सही है, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका बनता है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन सी जल। और अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष वृत्तीय कक्षा में विभिन्न द्रव्यमानों के दो कृत्रिम उपग्रह घूम सकते हैं। ऑप्शन ए नियत चाल से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। ऑप्शन बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा। तो ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो होता है वो वही रहेगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है हीरा तथा ग्रेफाइट हैं, तो हीरा तथा ग्रेफाइट क्या हैं। ऑप्शन ए कार्बन के अपर रूप। अगला है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। ऑप्शन ए जल का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरे टुकड़े के पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता पर संविधान निम्न में से क्या बंधन आरोपित करता है। तो कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी पहला दूसरा वाला सही हो जाएगा। पहला कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से पालन की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए, और दूसरा कहता है यह स्वतंत्रता सदाचार के दायरे के अंतर्गत ही प्राप्त है। अगला है गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। ऑप्शन डी फिरोज तुगलक।
अगला है प्रकाश रासायनिक स्मॉग का उत्पाद है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला हो जाएगा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और तीसरा हो जाएगा ओजोन। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, इस उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होगा, कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी, पहला सॉरी दूसरा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवृत्त रहेगी। और तीसरा है राज्यों के धन विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के विचारार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। और चौथा है राजकीय सेवा में कार्यरत सभी या किसी वर्ग के वेतन या भत्तों में कटौती की जा सकती है। अगला है प्रोक केंद्रक प्रोकैरियोटिक निम्नलिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक नहीं होता है। निम्नलिखित सूचियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और स्थितियों में से सुमेलित कीजिए, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। तो गाइस इसका देखिए मिलान करते हैं, निचली अदालत द्वारा बरी किए गए व्यक्ति को उच्च न्यायालय से मृत्युदंड दिया, तो गाइस इसका आपका हो जाएगा दूसरे से अपील। फिर संविधान के लागू होने से पूर्व की प्रसंविदा पर विवाद, इसका हो जाएगा तीसरे से सलाहकारी। फिर संघ के 2 राज्यों के मध्य विवाद, ये हो जाएगा पहले से प्रारंभिक। अगला है क्लोरोमाइसिटिन है, तो क्लोरोमाइसिटिन क्या है, ऑप्शन बी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन और उनसे संबंधित विषय सही सुमेलित नहीं है, तो गाइस आपको बताना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, 21वां संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को कम करना। तीसरा है 51वां संशोधन राजनीतिक दल बदल को कम करना। निम्न में से असत्य कथन छाटिए, गलत वाला बताना है आपको, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है कंप्यूटर इंटरनेट का प्रचलन सन 1990 में विट्रिस वैज्ञानिक टिम बर्नर ली ने किया था, और बी है स्वीडन में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों में बड़ी थकान व सिरदर्द का कारण वह प्रभाव है जो फोन से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे मस्तिष्क पर डालती हैं। फिर तीसरा है इंटरनेट पर आजकल शॉपिंग तथा बैंकिंग भी की जा सकती है। राज्य सूची पर संसद कब कानून बना सकती है, कोर्ट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी केवल तीसरा वाला सही हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा के काल में। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक बाट है और एक बाट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वोल्ट × 1 एम्पियर के तुल्य होता है। अगला है प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑप्शन ए थाईलैंड। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे हैं जो, ऑप्शन ए अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। अगला है एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया, पत्थर पानी में जैसे तैसे नीचे गिरता जाएगा, उस पर पानी का उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एक समान रहेगा। अगला है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है जिसका व्युत्पन्न होता है, ऑप्शन सी आइसोप्रीन से। किस अनुच्छेद को संशोधित कर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन सी 16। और निम्न में से
किस विटामिन में धातु परमाणु है? ऑप्शन बी विटामिन B12। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, नीचे कोड के माध्यम से बताना है। सी, पहला, तीसरा, चौथा। देखिए दोस्तों, पहला है, तीसरा है और चौथा है। पहला कथन कहता है, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति वर्ष 1957 में हुई। और तीसरा कहता है, जीबी के राव समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की। और चौथा है, एलएम सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रस्तुत की। धातुओं में प्राकृतिक चमक होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के दबाव के कारण प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, तीनों सही है, संघ सूची के संदर्भ में। दूसरा है, राज्य सूची के संदर्भ में। तीसरा है, समवर्ती सूची के संदर्भ में। अम्लीय बिलियन में डुबोए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए, लाल। अनाज के परिरक्षण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा और पांचवा। तीसरा हो जाएगा बैंकिंग विभाग और पांचवा है बजट विभाग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।